जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। जय जिनेंद्र, मैं आकांक्षा कपिलजी चोडिया मलकापुर महाराष्ट्र से आपके सामने भगवान महावीर स्वामी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। जिनकी जिनवाणी का झरना सारे संसार में बहता है, स्वयं जीव सुख से औरों को जीने दो का संदेश कहता है, ऐसे वीर प्रभु के चरणों में ये शीश सदैव नतमस्तक रहता है तथा गुरु भगवंतों के चरणों में ये शीश सदैव नतमस्तक रहता है। मैं भगवान महावीर स्वामी को अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही ऐसा है जो मेरे दिल को छूता है। महावीर कौन थे? महावीर कोई अवतार नहीं थे और नहीं थे कोई भगवान। भगवान तो वे अपने पुरुषार्थ के बल पर बाद में बने। जैन दर्शन में भगवान बनते ही अवतारित नहीं होते, पहले तो वे हमारे इसी भारत की वसुंधरा पर विचरते थे। धर्मचक्र का प्रवर्तन करने से वे तीर्थंकर कहलाए। वे महान मानव थे और जब भी कोई महान मानव जन्म लेता है तो उनके जन्म से पूर्व ही दुर्भिक्ष, महामारी, अकाल, हिंसा, अमानवीय असुरी शक्तियां पलायन करना शुरू कर देती हैं। कि यही वर्धमान के जन्म लेते ही हुआ, तीनों लोक में प्रकाश सा छा गया। इसके बाद जो उम्र भोग, धन उपार्जन, सत्ता अधिकार की मानी जाती थी, उस उम्र में भगवान ने भोग, सत्ता अधिकार, स्त्री परिवार का त्याग कर संयम के कटिले मार्ग पर प्रयाण किया। संग्राम में विजय होने से पहले योद्धा को अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, उसी प्रकार सिद्ध के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए सिद्ध पुरुषों को मानंतिक कष्टों से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही भगवान को संगम देव आदि ने अनेक मानंतिक उपसर्ग दिए, फिर भी भगवान ने उन पर अपनी भावतया दृष्टि की अमृत वर्षा की। अनेक कसौटियों का सामना करके भगवान की साधना फलित हुई। उन्होंने केवल न केवल दर्शन को प्राप्त किया तथा तीर्थ की स्थापना की। अहिंसा परम धर्म का मर्म हमें समझाया, जीव और जीने दो का मार्ग हमें बतलाया। अब हमें जरूरत है उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने की, महावीर के गुण अपनाने की, महावीर को अपने अंतर में जगाने की। धूल अगर चाहे तो अबीर हो जाए, रेशम अगर चाहे तो जंजीर हो जाए। आवश्यकता है आदर्शों के परिपालन और पुरुषार्थ की, आवश्यकता है आदर्शों के परिपालन और पुरुषार्थ की। इंसान अगर चाहे तो महावीर हो जाए, इंसान अगर चाहे तो महावीर हो जाए। इसी के साथ जय जय।